हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। मेरे चैनल की और एक वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसे कि पता है आज शनिवार है। शनिवार में मैं ऐसे टाइप का छोटा मोटा ड्रैपिंग हैंकी टैक कुछ धोती स्टाइल ऐसे टाइप का वीडियोस लाती हूँ। तो आज भी मैं एक अपना पुराना साड़ी पहन के आई हूँ, मतलब पहनने वाली हूँ। ये एक क्रेप साड़ी है, इसको क्रेप साड़ी बोलते हैं। सॉफ्ट होता है, सॉफ्ट है और थोड़ा हैवी लगता है और क्या है ना, थोड़ा स्लिपरी टाइप का है। हाँ, तो ये टू कलर्स में आते हैं। टू कलर्स में आते हैं नहीं, टू कलर्स का है ये मेरा। अच्छा, ये हाँ मैंने ही बाय किया था यहाँ की लोकल मार्केट से। तो हाँ, फैन चल रहा है, चारी ड्रैपिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। हाँ, वैसे गर्मी भी बहुत ज़्यादा है तो कंफर्टेबल नहीं लग रहा है और प्लेट्स भी अच्छे से नहीं बन पा रही है फ़ैन के कारण। तो गाइस, जो भी हो, छोटू सा साड़ी ड्रेपिंग वाला वीडियो आप लोगों के लिए लाती रहती हूँ और आज भी लाई हूँ। होप कि आप सभी लोगों को पसंद आएगा। तो गाइस, कैसे हो आप लोग बताइएगा। मैं स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ। बस हार्दिक की तबीयत थोड़ी सी ख़राब है, तो इसलिए नहीं बोल सकती कि एकदम से 100% ठीक हूँ। हाँ, तो मेरा साड़ी का जो प्लेट्स बन के रेडी हो गया है, उसको मैंने टक भी कर लिया। अभी पल्लू को टक करना और उसको प्लेट्स को सेट करना बाकी है, बाकी सब तो सेट ही है। और यहाँ पे देख रहे हो कपड़े फैले हुए हैं, कंबल्स वगैरह, क्योंकि बाहर में बारिश हो रही है ना। तो कंबल वगैरह आज मैंने धो तो नहीं दिए थे, लेकिन पानी वगैरह अच्छे रख दिए थे। तो 90% सूख गया है, थोड़ा बहुत फ़ैन की हवा से सूखने के लिए मैं यहाँ पर रख दी हूँ। और आज वीडियो के टाइम इतनी गड़बड़ी हुई है ना, प्लेट्स भी अच्छी नहीं बनी और पल्लू भी अच्छा नहीं बना, और पल्लू का जो प्लेट्स है वो भी प्रॉपर नहीं बना है। मुझे बिल्कुल भी आज कंफर्टेबल सा फील नहीं लग रहा है पहन के। बस साड़ी अच्छी है, कलर अच्छा है, मल्टी कलर है, तो थोड़ा अच्छा लग रहा है। तो ये देखिए, मैं सेट हो गई हूँ, मतलब इतना ख़राब नहीं हुआ। कहीं पर पहन के आप एक चक्कर घूम सकते हो, बट एकदम से प्रॉपर नहीं बना है, बट जो भी हो अच्छा ही हुआ है। तो गाइस, आप लोग कैसे हो बताइएगा। और हार्दिक की तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है, बता रही थी ना, तो बदन पे थोड़े थोड़े दाने निकले और मुंह पे भी उसके दाने जैसा निकला है। हाँ, तो वही, हाँ अभी थोड़ा सा ठीक हुआ है। तो बाल आज धोए थे, तो कंघी करना हुआ ही नहीं अभी तक। मोस्टली मैं जब घर पर रहती हूँ, कंघी वगैरह उतना होता नहीं है, आलस आता है ना, सबको आलस आता है, मुझे ही नहीं। घर में हम इतना वो सज धस के थोड़े ना रहते हैं। मैं कभी वीडियो के चक्कर में ही थोड़ी सज लेती हूँ, बाकी तो ऐसे ही मतलब भोंदू बनी रहती हूँ, उतना मतलब अच्छा नहीं रहता। ये देखिए, पता नहीं एक दाने सा मेरे मुंह पे भी निकला है, पिंपल आप बोल सकते हो इसको, पिंपल जैसा निकला है। थोड़ा सा इसमें वो हो रहा है ना, दर्द जैसा फील हो रहा है। तो ये देखिए, पल्लू हर टाइम मतलब खिसकता जा रहा था, अच्छे से टक नहीं हुआ, इसीलिए टक ऐसा हो रहा था। तो छोटा सा हैंकी टक भी आप लोगों के लिए लाई हूँ। आज एक ही टाइप का हैंकी टक कर रही हूँ आप सभी के लिए। होप कि आप सभी लोगों को अच्छा लगे। आप आज का ये वीडियो अगर आप सभी लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले गाइस। तो आज के लिए उतना ही, होप कि आप सभी लोगों को अच्छा लगे। थैंक यू गाइस, बाय बाय गाइस।